नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेले जाने वाले सभी मैचों का समय, स्थान व तारीख बतलाने वाला हूं। साथ ही साथ कौन सी टीम भारत को टक्कर दे सकती है, कौन सी टीम भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे हम। और इसी के साथ भारत को दो नंबर का प्रबल दावेदार इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के नंबर वन की टीम इंग्लैंड है और मेरी नज़र में तो इंडिया इज़ द बेस्ट, क्योंकि भारत की जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो बहुत ही मजबूत है। और इस समय भारत के प्लेयर्स जो हैं इतने चुनिंदा हैं कि उनका कोई जवाब नहीं है। तो हमारी भारतीय टीम भी काफ़ी टीमों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला मैच खेला जाने वाला है 5 जून 2019, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। अगला मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 9 जून 2019, ये भी कांटे की टक्कर होने वाली है। अगला मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 13 जून 2019, ये तीनों टीमें भारत की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। अगला मैच है भारत वर्सेस पाकिस्तान 16 जून 2019, जो कि बहुत ही बेहतरीन और कांटे की टक्कर होने वाली है। अगला मैच है भारत वर्सेस अफगानिस्तान 22 जून 2019 को खेला जाएगा, यह भी टीम मजबूत स्थिति में है। भारत वर्सेस वेस्टइंडीज 27 जून 2019 को अगला मैच खेला जाएगा। अगला मैच है भारत वर्सेस इंग्लैंड 30 जून 2019 को खेला जाएगा। इंग्लैंड को प्रथम दावेदार माना जा रहा है इस वर्ल्ड कप का। अगला मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 जुलाई 2019 को खेला जाएगा और इस टीम की भी बहुत अच्छी स्थिति है। अगला मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका 6 जुलाई 2019 को खेला जाएगा। तो दोस्त, कैसी लगी हमारे आपको आज की यह जानकारी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। साथ ही साथ यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।